हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मिठाई बनाने जा रही हूँ जो बनकर तो झटपट ही तैयार हो जाती है और उसके लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं होती है। तो हमें कोरोना के चलते न तो बाहर जाने की जरूरत है और न ही घंटों रसोई में पसीना बहाने की जरूरत है और ये फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। चाहे हमारा व्रत हो, कोई मेहमान आ रहे हो या रात को हमारा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन हो, बस झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए मेरे साथ मेरी किचन में और बनाइए नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम दूध। 250 ml दूध है ये और इसे एक पैन में डालेंगे और इसे उबलना रख देंगे। अब इस दूध में उबाल आ चुका है। ये मैंने फुल फैट क्रीम लिया वाला दूध लिया था। अगर आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं लेकिन इसे फुल फैट क्रीम से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। अब इसमें दूध में उबलने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, मैंने पहले भिगो कर रख दिया था केसर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो डाल सकते हैं और ना हो तो कोई जरूरी भी नहीं है, इसके बिना भी ये बन जाती है। अब इसे 3-4 मिनट तक और उबलने देंगे और अब इसमें उसके पहले हम मिलाएंगे लगभग 200 ग्राम चीनी। ये चीनी हम पहले ही इसलिए मिला देते हैं कि इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। अब इसे 3-4 मिनट तक उबलने देंगे और चीनी भी मिक्स हो जाएगी और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। 3-4 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा ये दूध, चीनी भी मिक्स हो चुकी है और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें मिलाएंगे लगभग 250 ग्राम नारियल का बुरादा और अब इसे स्लो फ्लेम पर आराम से सारा मिक्स कर लेंगे। और ये दूध इस नारियल के बुरादे को, नारियल का बुरादा इस दूध को पी लेगा और ये काफी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस 2-3 मिनट ही इसे भूनेंगे। इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए बनाना है क्योंकि नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगा। नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो ये कम चिपकता है, अगर हम सिंपल पैन में बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी चिपकने लगेगा। वैसे नारियल भी अपना तेल छोड़ देता है, इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बनाने में। हमें इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए, अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 2-3 मिनट तक और भूनेंगे। जब तक ये हमारा नारियल भुनकर तैयार होता है तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और ये इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देखिए, ये अब हमारा सिक्का तैयार हो रहा है। 3-4 मिनट तक इसे सेकेंगे और फिर बस हमारा ये नारियल की बर्फी लगभग बनकर तैयार है। और अब हमारा ये नारियल का बुरादा बनकर तैयार हो चुका है और अब हम गैस को ऑफ करेंगे और एक प्लेट जिसमें हमें बर्फी जमानी है इस तरह की एक प्लेट ले लेंगे। अगर आपके पास बर्फी जमाने वाली प्लेट है तो आप वो भी ले सकते हैं, मेरे पास वो प्लेट नहीं है तो मैं इस तरह से एक नॉर्मल प्लेट ले रही हूँ। इसे पहले ग्रीस कर लेंगे, अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और ग्रीस करने के बाद इस प्लेट पर हम अपना ये नारियल का पाउडर, ये प्लेट पर हम अपनी ये नारियल की बर्फी फैलाएंगे। इस तरह से इसे सारे मिक्सचर को इसमें डाल लेंगे
अब इसे प्लेट में इस तरह से एक बराबर मोटाई में फैला देंगे और इसे साइडों से इस तरह से मेल करते जाएंगे। अब इसे मैंने इस प्लेट में इस तरह से फैला लिया है। अब हम अगर आप इस पे चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ मैं डेकोरेशन के लिए लगा रही हूं। अगर आपको लगे तो जरूरी तो आप लगा लें और ना चाहें तो ना भी लगाएं। अब इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है। अब इसे 10-15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे और जब ये जम जाएगी तो हम इसे काटेंगे। अब ये देखिए बर्फी हमारी जमकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे काटेंगे और ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी डिलीशियस सी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। ना हमें इसे बनाने में कुछ खास समय लगा और ना ही इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी जो हमें बाजार से लाने पड़े हों, हमारा व्रत हो या कोई घर में मेहमान आने वाले हों, झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी ये रेसिपी बनती है। अब आप इसे खा करके देखेंगे तो इतनी टेस्टी बनेगी। अब ये देखिए इसे मैंने काट लिया है और ये कितनी अच्छी बन गई है और ये इतनी झटपट बनकर तैयार हो गई है कि हमें कुछ भी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। खाना खाने के बाद भी अगर हमारा कुछ मीठा खाने का मन हो तो हम झटपट इसे तैयार कर सकते हैं। और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। अब ये देखिए सारी बर्फियों को मैंने काट लिया है और इसे एक प्लेट में लगा दिया है और ये प्लेट में लगी हुई भी कितनी अच्छी लग रही है। अगर हम इसे किसी को सर्व करेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी है ही।